हे हाय। हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप आ गए ना इधर, तो जरा सुन के जाना मेरे अप्रेजल की कहानी यार। हाँ तो भाई अप्रेजल हो गया अपना। पैसा ही पैसा हो गया। सबका हो गया होगा भाई, किसी का अच्छा हुआ किसी का बुरा हुआ, मेरा तो हमेशा अच्छा होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता अच्छा। अब पता नहीं सबकी अपनी अपनी सोच। तो सबसे पहले तो है ना अप्रेजल का लेटर का बात है, मालूम फ्राइडे की शाम को, शाम बोले तो आईटी वालों के 11:30 बजे रात को, हमारे लिए तो शाम ही होती ना, हम उठते ही 2-3 बजे, तो हमारा काम ही 2-3 बजे स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए शाम को लेटर आता है। अब फ्राइडे की रात को देने का क्या मकसद है, जिसका अच्छा हुआ वो पूरे सैटरडे संडे मजे करे और जिसका नहीं अच्छा हुआ वो गम मनाए, पीते हैं गम में भी और खुशी में भी पिएंगे। मतलब गम मनाए तो आदमी क्या फ्राइडे की रात को किसी को फ़ोन करके बोल तो नहीं सकता, HR से लड़ नहीं सकता, मंडे को देखेंगे, तब तक मंडे तक अगला शांत हो जाता है एकदम, सोच बात के सब एकदम गुस्सा एकदम शांत हो जाता है अगले का। तो हम भी मंडे का ही वेट कर रहे थे। अब देखते दोस्त, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, मेरा तो हो गया हो गया, अब अपने दोस्त लोग का कैसा हुआ वो देखना इंपॉर्टेंट ना, कलीग लोग का, अब उन लोग से निकालना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना एकदम, अब साले बताते कि नहीं बताते वो अलग बात। तो जैसे ही मंडे को ऑफिस जाके बैठा तो अपने एक कलीग दूर से आ रहा था, मेरे को देखो बोलता क्या बनता है वो आगे नहीं 50-60%। बोला इधर इधर बैठ बात करते, उसको बिठाया मेरे साइड में, बोला चल बैठ के बात में, बोला तेरा कितना हुआ, बात कर रहे थे इतने में से मैनेजर गुजरा हमारा, साइड से मैनेजर गुजरा, हे गाइस कैसा गया अप्रेजल कैसा हुआ ठीक ना, बोले यस सर यस सर। जैसे ही वो निकला ना उसको बोले क्या घंटा अच्छा हुआ इसकी, माँ को मिस कॉल मारे यार, क्या घंटा अच्छा हुआ इसकी गंजा साला। और हम लोग अपने बात पे कंटिन्यू करें, बोले क्या घंटा अच्छा हुआ यार 7% हुआ अप्रेजल यार, कोई अप्रेजल है क्या, ये बात कर ही रहे थे। उसमें ना हमारा एक कलीग है ना पुष्पेंद्र करके, हम लोग उसको पुष्पा बोलते, वो फायर वाला पुष्पा नहीं, ये फर्नीचर वाला, इसके डैडी का फर्नीचर का धंधा है। वो पुष्पा लकड़ी चोरी करता था, ये लोग लकड़ी चोरी किया वो फर्नीचर बनाते, ये अप्रेजल चोरी करता अगला। तो वो पुष्पेंद्र है ना चुपचाप बैठा था एकदम शांति में, शांति में हम लोग बोले यार इसको पूछते ना, और जो चुप बैठे रहते ना उनका अप्रेजल है ना अच्छा होता है एक्चुअली। ये पुष्पा तेरा अप्रेजल कैसा हुआ, ठीक हुआ अरे, कितना परसेंट कितना हुआ ये बोल, 15-16% हुआ। हाँ हम लोग सोचे साला हमारा 7 हो रहा है इसका 15-16% क्यों, समझिए ना ऊपर तक पहुंचे अगले की। अपने को दुख ये नहीं है कि इसको 15% हुआ, अपने को ये दुख है साला ये 7% अप्रेजल में करे तो करे क्या। पहले मेरी एक्टिवा 300 रुपये का पेट्रोल में ना फुल हो जाती, 330 के पेट्रोल में पूरी टाकी फुल हो जाती थी, आज उसको 500 का भी भरो तो कम लगता है उसको, 550 की भी टाकी फुल नहीं होती, ऐसा लगता है कि उम्र के साथ साथ वक्त के साथ साथ उसकी टाकी भी बढ़ गई है। अब एक्टिवा को 300 से 500 का पेट्रोल लगने लगा, अब ये 7-7% में इंक्रीमेंट करेंगे, सोचो अगर एक आदमी का 5 लाख का पैकेज है और 7% या 7 से 10% के हिसाब से उसका इंक्रीमेंट होता है ना, तो अगले 10 साल में उसका पैकेज डबल होगा। और वो हमारे फ्रेशर 2 साल पहले ज्वाइन किए थे 3-3.5 लाख के पैकेज पे, 2 साल जैसे खत्म हुआ नहीं, बॉन्ड खत्म हुआ नहीं, अगले लोग ने रिजाइन मार दिए, और मिला कितने का पैकेज 6 का। अब वो पैकेज 6 का मिला, 10 दिन हुए नहीं थे कि दूसरा पैकेज सीधा डबल का किधर ढूंढ लिए 12 का। पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनको दे कौन रहा है यार, वो तो हद होगी, चलो दे तो दिया, अभी अगला 12 का पैकेज में मेरे मैनेजर से डिस्कशन कर रहा है कि 12 दे दे तो मैं रुकता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको दे रहे ले हमारी ले रहे ले, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को फंडा, क्या हो क्या रहा है मार्केट में अपने को समझ में नहीं आ रहा भाई ये। और ऊपर से इन लोग है ना मैनेजर लोग, इनको दे क्यों रहे, हमको 10% क्यों देते, 5% क्यों देते, इनको क्यों देते, और वही चीज़ हम रिजाइन मारेंगे ना तो भी हमको बोलेंगे हाँ चलो मैच करके देता हूँ। तो भाई पहले क्यों नहीं दे रहे, जब अप्रेजल कर रहे हो तब मार्केट के हिसाब से क्यों नहीं दे पा रहे हो, तो जो लॉयल है उसको मतलब मारो उसकी, ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा फंडा क्या प्रॉब्लम है। और वही अपने लेवल का बंदा बाहर से हायर करेंगे अच्छे पैकेज के ऊपर, क्या चल के आ रहा है। और कुछ भी पूछो इनको, अरे भाई मेरा अप्रेजल क्यों सही नहीं हुआ यार, मैं तो डाला था यार, तो अपर मैनेजमेंट ने ना डिसाइड कर, अरे कौन है अपर मैनेजमेंट यार, 15 साल आईटी में हो गए अभी भी ढूंढ रहा हूँ अपर मैनेजमेंट कौन है जो मेरा अप्रेजल डिसाइड करता है और मेरे को भी पता नहीं चलता यार, यार कुछ तो अच्छा रीजन दो। अब बताओ महंगाई इतनी बढ़ गई क्या करे, अब 2 बच्चे मेरे इतने से अभी बड़े हो गए इतने डबल, उनको डबल खाना लगता, अब डबल खाना लगता 10% में कैसे चलाओ बताओ, और पेट्रोल भी का भाव डबल डबल हो रहा है, सब कुछ डबल हो रहा है, आप सोचो कैसे घर चलाने का यार, ये क्या रीजन है ये तो बताओ।
दूसरों को मार्केट मैच करके ही नहीं दे, मतलब ये सोच रहे हो कि आप भी रिजाइन मारो और जाओ 30% 40% लेके आओ। कुछ लोग ऐसे रहते हैं इनका 40% हुआ, अब 40% किसका होता है 40% अप्रेजल, 10% ऐसे हुआ अप्रेजल और 30% जहाँ से नौकरी से ढूंढ के लाया कि भाई यहाँ देखो जो मेरे को ऑफर मिल रहा है तो कंपनी ने उनको 40% करके दे रही। हम तो जो भी है लेकिन फिर भी हम तो है ही ना जो हमारा काट रहे हो आप, तो ये क्या प्रॉब्लम है भाई। आप भी, आपको भी क्या लगता है, कैसे समझ में आता है, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है यार ये जो ये लोग अप्रेजल करते हैं और फिर है ना रिजाइन मारो तो वही मैच करके देते, क्या मकसद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडा। किसी को मालूम है तो मुझे बताओ यार। ठीक है चलो रखता हूँ।